नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त एबीपी न्यूज पर हुंकार आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। अब तक करीब 25 घंटे तक राहुल से पूछताछ पूरी हो चुकी है और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि राहुल से अब तक 70 से ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। लेकिन सवालों के घंटे और सवालों की संख्या से अलग कुछ और आंकड़े भी आपके सामने रख रही हूं, और वो आंकड़े क्या है? सिर्फ दिल्ली में अब तक 800 कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आलम यह है कि आज कांग्रेस हेडक्वार्टर और ईडी हेडक्वार्टर दोनों ही जगह जबरदस्त प्रदर्शन हुए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसके हेडक्वार्टर में घुसकर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीटा है। पुलिस ये कह रही है कि धारा 144 का उल्लंघन करके कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के इस प्रदर्शन में मर्यादाएं टूट रही है। नागपुर में कांग्रेस के एक नेता ने तो प्रदर्शन के दौरान सारी हदें तोड़ते हुए पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता अपना आपा क्यों खो रहे हैं? क्यों कानून के मुताबिक ईडी की पूछताछ से कांग्रेस के नेता परेशान है? आखिर क्या वजह है कि पूछताछ के विरोध में वो सड़कों पर इस कदर उतरे हैं कि उनके दो दो मुख्यमंत्री पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं? आपने कब बताइए आखिरी बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह आपके लिए, देश की जनता के लिए दिल्ली से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करते हुए देखा है? क्या इस विरोध प्रदर्शन की वजह यह तो नहीं है कि पूछताछ के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है? आज के हुंकार इन्हीं और ऐसे ही सवालों के इर्द गिर्द खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे उनका तारुफ करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला साहब राष्ट्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चरण सिंह सापरा साहब राष्ट्र प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह सापरा साहब, क्या बताना चाह रहे हैं? ईडी पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी उन सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे न जाने क्या गड़बड़ हो गई है इस देश में। अरे भाई, आरोप है, पूछताछ कर रहे हैं, करने दीजिए। चरण सिंह जी, आप भी चले गए क्या? हाँ जी, हाँ जी, रूबिका जी, मैंने आप, नहीं मुझे लगा आप भी प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। हाँ, कोई तकनीकी मेरे ख्याल से गड़बड़ थी यहाँ पर। हाँ। देखिए, आपने ठीक कहा कि श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने तलब किया है और मेरे ख्याल से 25 या 26 घंटे कुल मिलाकर के हुए हैं और ईडी के सारे सवालों का जवाब श्री राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से दिल्ली की पुलिस वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से 3 दिनों से बर्ताव कर रही है, यानी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई और बड़े नेता हो, सभी आला नेताओं को खींच खींच कर रोड पर घसीट घसीट कर ले जाया जा रहा है। आपके सारे टीवी माध्यम चैनल के माध्यम से ही हम लोग भी सारी चीजें देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और आज तो हद ही पार कर दी। यानी कांग्रेस के मुख्यालय में डीवाईएसपी पुलिस लेकर के घुसता है और अंदर जितने कार्यकर्ता है या फिर ऑफिस के अंदर जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग में बैठे हुए भी नेताओं को घसीट करके बाहर निकाला गया, लाठी चलाई गई। और आप खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आपके मीडिया के कर्मी भी थी, आपने देखे होंगे, मीडिया कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई और उनको भी एक दो हाथ वहां पर भी चलाए गए। तो इस तरह से जो शाह और शहंशाह की पुलिस जिस तरह से बर्ताव कर रही है, इससे पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में रोष है और ये रोष आपको सड़कों पर नजर आ रहा है, पूरे देश में। मैं उस रोष की वजह जानना चाह रही हूं, ये क्यों आप कर रहे हैं? नहीं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके नेता से पूछताछ हो रही है। देखिए रूबिका जी, ये युद्ध तानाशाही के विरुद्ध है। ये इसलिए नहीं कि नेता से पूछताछ हो रही है, ये इसलिए कि नेता से हैरेसमेंट हो रही है। अब आप देखिए कि एक प्राइवेट कंप्लेंट जो 10 साल पहले लॉन्च की गई थी उसके ऊपर पूछताछ हुई, 2015 में केस बंद हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, फिर ईडी के अफसरों का तबादला हुआ, नए चाटुकार अफसर आए, उन्होंने फिर केस को खोला। ये तो आप सोच रहे हैं ना, कानून ऐसा नहीं सोचता है ना सापरा जी, हमें उससे भी कोई, ये आप सोच रहे हैं, उससे भी कोई हर्ज नहीं है।
देखिए इससे पहले भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पूछताछ हुई है, जितने घंटे इस वक्त राहुल गांधी से पूछताछ हुई उतने नहीं, तो इतने ही लंबे घंटों तक बाकी राज्यों के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही पूछताछ हुई है, बाकी राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ इस तरीके की पूछताछ हुई है। मैंने कभी यह मंजर नहीं देखा कि आप हिरासत में लिए जा रहे हैं, सड़कों पर लौट रहे हैं, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों के सामने किसी तरह की कोई आजादी की लड़ाई चल रही है। अरे देश के लिए महंगाई पर, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी है, उस पर आप आते और इस तरीके का कुछ करते तो मैं आज आपके साथ खड़ी रहती। आप अपने नेता की पूछताछ पर पूरे के पूरे देश के माहौल को इस तरीके से कैसे हाईजैक कर सकते, मैं समझ नहीं पा रही हूं। और प्रेम शुक्ला जी आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि पुलिस जो है बर्बर हो रही है। रुबिका जी, मैं आप दीजिएगा, आज तो आप ही को जवाब देना है। प्रेम शुक्ला जी, सापरा साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की तानाशाही के चलते आज इन लोगों को सड़कों पर उतर के आना पड़ रहा है। केस 2015 में खत्म हो गया। तानाशाही क्या है? जिस मामले में हाईकोर्ट में रिलीफ ना मिला हो, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आपको जांच का सामना करना पड़ेगा, उस मामले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था के तहत गठित जांच एजेंसी अगर श्रीमान राहुल गांधी को पूछताछ के लिए आमंत्रित कर दे तो ये तानाशाही कैसे हो गई? बल्कि आप जो है जब एक लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जांच एजेंसी एक कार्यवाही कर रही है उसमें बाधा पहुंचाने का जिस तरह का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय का घेराव हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता असम में पत्थरबाजी करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के पदाधिकारी नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वह इनकी संस्कृति का परिचायक है कि आप जो है एक वंश तंत्र को लोकतंत्र घोषित करके उनके भ्रष्टाचार को कवर देने के लिए जिस तरह से आप सड़क पर उतरते हैं, हिंसा करने का प्रयास करते हैं, आगजनी करते हैं, टायरों को जलते हुए जलाते हुए आप स्वयं अपने जो है चैनल पर दिखा रही हैं, पथराव करते हैं, यह क्या है भाई? यह कौन सा लोकतांत्रिक प्रदर्शन है? इसका लोकतंत्र से क्या लेन देन है? एक वंश तंत्र के भ्रष्टाचार की जांच को रोकने के लिए आप मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़कर दिल्ली में डट जाए, ये कौन सा लोकतंत्र है? मेरी समझ में तो ये लोकतंत्र नहीं आया। हाँ सापरा साहब, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। इनफैक्ट मैं टाइमर ऑन करती हूँ 30 सेकंड में, ताकि मेरे दोनों और मेहमानों का रुख कर सकूं। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए 10 साल में इन्होंने कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस इनका कोई बना नहीं है, ना ही कोई एफआईआर ये दर्ज कर पाए हैं। चलिए हम 2015 से भी पकड़ते हैं, 2015 से भी लेकर के आज तक 7 या 8 साल हो गए हैं, उसमें भी कोई एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर पाए हैं। मात्र ये परेशान करना और इसका राजनीतिक लाभ लेने का इसके पीछे हेतु है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि किसी नागपुर में जो हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई गलत बातें कही है उसका उल्लेख इन्होंने यहाँ किया, मैं इनको याद दिला दूं कि आपके तो मेरे ख्याल से जो बीके सिंह जी हैं उन्होंने एक दलित की हत्या की तुलना जो है, आप पीछे कहां जा रहे हैं? नहीं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं जिनको हम बीप कर देते हैं? पीछे जाना पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन आप उन शब्दों का इस्तेमाल, सापरा साहब आप उस टाइप के प्रवक्ता हैं नहीं। मैं ये कह रहा हूं, हां आप उस लेवल के आप बहुत संयम से मर्यादा से बहस करते हैं, आप क्यों अपनी जबान खराब कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता को बचाने के चक्कर में? बिकाजी गलत बात की, आप संयम से बता रहा हूँ, आप क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? संयम से बता रहा हूँ, मैंने वीके, नहीं मैं बचाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वीके सिंह है, दयाशंकर सिंह है, फिर इनके गोपाल अग्रवाल है, इस तरह से रामजादे की भी बातें हुई है, कई सारी चीजें हुई है। ये कहने में आपका हलक क्यों सूख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी या इस तरीके की बातें ठीक नहीं है? सापरा जी उस शख्स के बारे में बोलिए ना, नागपुर में जो जबान लंबी करके और देश के प्रधानमंत्री को अनाप शनाप कह रहा है। देखिए उसने अगर गलती की है उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ जिसने बोला गोली मारो सालों को,
तो ये तमाम सारी चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और प्रवक्ताओं की आंखें खोलने के लिए जरूरी होती प्रेम है। शुक्ला जी, सवाल ये है कि आज आप जवाब दीजिएगा, पुलिस दुर्व्यवहार, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस दुर्व्यवहार, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि किस बात पर आप लोग सड़कों पर ऐसे उतर आए हैं, कोई तो वजह बता दीजिए। घर में घुस करके मारे प्रदीप जी, कार्ति चिदम्बरम से भी पूछताछ हो रही थी, यही ईडी पूछताछ कर रही थी। सापरा जी ठीक है, यही ईडी पूछताछ कर रही थी। अगर मैं राहुल गांधी और कार्ति चिदम्बरम को दोनों को एक बार के लिए कंपेयर करने की कोशिश करूं लोकतांत्रिक और राजनीतिक हिसाब से, तो लगभग सेम ही है। वो भी तमिलनाडु से सांसद हैं, राहुल गांधी भी सांसद हैं, हाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन इस तरीके से पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है देश की जनता के लिए तो मैंने नहीं देखा। वो 8 साल जो मोदी सरकार के पूरे हुए थे, मुझे अच्छे से ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब, वहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं था, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बुकलेट जारी कर दी गई और फिर सब अपने अपने बयान देकर घर को चले गए। ये ऐसा कुछ प्रदर्शन होता तब तो फिर भी लगता कि हाँ अब विपक्ष तैयार हो गया प्रदीप जी, पर ये हो रहा है राहुल गांधी के लिए। नहीं देख, ऐसा है रुबिका जी, केवल कार्ति चिदम्बरम नहीं, पी चिदम्बरम से भी पूछताछ हुई, ईडी ने पूछताछ की, वो जेल भी गए, नवाब मलिक से भी पूछताछ हुई, अनिल देशमुख से भी पूछताछ हुई, किसी पार्टी ने, उन पार्टियों के नेताओं ने, उन पार्टियों कार्यकर्ताओं ने तो ऐसा नहीं किया। ये दरअसल सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो भाव है कि हमसे कोई कैसे पूछताछ कर सकता, कोई एजेंसी हमारे ऊपर कैसे हाथ डाल सकती। इस बात को कांग्रेस के लोगों को याद रखना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जब इसको, इस मामले को रद्द करवाने के लिए गए थे कांग्रेस के लोग, मतलब गांधी परिवार की ओर से, तो कहा था ये क्रिमिनल एक्विजिशन है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ईडी जो जांच कर रही है, अगर वो फर्जी है, वो गलत है, वो जो है कानून सम्मत नहीं है, तो उसके लिए अदालत है। ये लड़ाई आपको सड़क पर लड़ने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, अदालत में लड़िए। अगर झूठा केस है, अगर फर्जी केस है, उसमें कोई दम नहीं है, तो अदालत में टिक नहीं पाएगा, फिर अदालत को जो है फटकार सुननी पड़ेगी, ईडी को फटकार सुननी पड़ेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा, तो उसकी कोशिश कीजिए ना। राहुल गांधी से सिर्फ पूछताछ हो रही, उनको कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, उनके साथ कोई थर्ड डिग्री नहीं इस्तेमाल हो रही है, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर पूछताछ पर यह हाल है तो अगर कल गिरफ्तार हो जाएंगे, जो कि ट्रेंड दिखाई दे रहा है, चिदंबरम के साथ यही हुआ, कार्ति चिदंबरम के साथ, नवाब मलिक के साथ, अनिल देशमुख के साथ, सत्येंद्र जैन के साथ, तो कोई आश्चर्य नहीं कि राहुल गांधी भी कल परसों या कुछ दिन बाद गिरफ्तार हो जाए इस मामले में। अगर ईडी को उनकी पूछताछ से संतुष्टि नहीं हुई, उसको लगा कि आगे जांच करने की जरूरत, तो इस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 8 साल में इस सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और इतने सारे मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस सड़क पर इस तरह से कभी उतरी हुई दिखाई नहीं थी 8 साल। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से मारपीट नहीं हो रही, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है सापरा जी, कोई टॉर्चर नहीं हो रहा है, कानून के तहत पूछताछ हो रही है। आप लोग मुझे ये तो समझा दीजिए कि किस बात को लेकर आप सड़कों पर उतर आए हैं कि आपके नेता से पूछताछ हो रही है, और किसी को कोई हक नहीं है आपके नेता से पूछताछ करने के लिए क्योंकि उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। ठीक है रूबिका जी, पहले तो मैं आपको और प्रदीप सिंह जी को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जिस तरह से प्रदीप सिंह जी ने कहा कि महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस को उतरना चाहिए था, तो शायद ये भूल गए हैं कि महंगाई के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर अनेक मोर्चे किए हैं और वो सारे टीवी चैनलों में भी दिखाए गए। उससे पहले कोविड के ऊपर भी जो सरकार का फेलियर था उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए, श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने नहीं सड़कों पर आकर के, पर आप बहुत ईमानदारी से ये बात रखिए। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कीजिए। जब हाथरस का केस हुआ तो क्या कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं थे? लखीमपुर खेरी में अगर किसानों को गाड़ी से उड़ा दिया गया तो क्या प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सब लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचे थे?
हमने हर आवाज जनता की उठाई है, किसानों का मुद्दा जो 700 किसानों की मृत्यु भी हुई है, एक साल में जो आंदोलन चला है उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा हमेशा उठाया है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में उठाया है, हर उस मुद्दे को उठाया प्रदीप सिंह जी। तो मात्र ये कहकर के चले जाना कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दे जनता के नहीं उठाए, सड़कों पर नहीं आए, ये आप गलत कह रहे हैं। आप जो दर्शक है उनकी दिशा भूल कर रहे हैं। हाँ, अब सवाल ये है राहुल गांधी जी का, जो अभी रूबिका जी ने पूछा सवाल, ये राहुल गांधी जी का नहीं बनता सवाल, ये बनता है कि ईडी किस तरह से एक एक करके विरोधी पक्ष के नेताओं की हेरेसमेंट कर रही है। ईडी आज आप 8 साल में देखिए, ईडी ने क्या किसी सत्ताधारी पक्ष के नेता पर किसी पर आंख भी उठा करके देखा है? सत्ताधारी पक्ष के नेताओं को तो कमल डिटर्जेंट से धो देती है भारतीय जनता पार्टी। यानी नारायण राणे अगर कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई सब कार्रवाई होती थी, वो भ्रष्टाचारी थे। हेमंता बिस्वा अगर कांग्रेस में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में चले गए तो कमल डिटर्जेंट से धुल गए और मुख्यमंत्री बन गए। नारायण राणे कमल डिटर्जेंट साबुन से धुल गए और वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। मुकुल रॉय जब वो टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में आए तो सदाचारी हो गए, फिर अगर टीएमसी में गए तो उनके ऊपर रेड हो रही है। शिवेंदु अधिकारी जिनके ऊपर सीबीआई में भी उनका नाम दर्ज है और ईडी का भी केस है, शिवेंदु अधिकारी के घर में क्यों नहीं जा रही है ये सारी जांच एजेंसियां, क्यों नहीं उनको बुला रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रिश्ता हो गया, अब उनको वॉशिंग मशीन में डाल करके कमल डिटर्जेंट से धो देंगे। चरण सिंह जी, ये क्या चल रहा है, ये देश के सामने आपने अपनी बात रखी और हमने सबने सुना। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपने जितनों के भी नाम गिनाए उनमें तो आप बाहर नहीं निकले इस तरीके से, तब तो आपका खून नहीं खौला, तब तो ये कमल डिटर्जेंट जो है उस पर आपको आक्रोश नहीं आया। आज ये जो सड़कों पर लोट लोट कर आप हिरासत में जा रहे हैं, बसें भर भर कर जो गिरफ्तारियां हो रही है, पूरा मोर्चा लामबंदी हो रही है, बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, प्लीज ये तो मत कहिए कि महंगाई में आपने ऐसा काम किया है, ये तो मत कहिए कि कोविड में आपने ऐसा काम किया है, ये तो मत कहिए कि हाथरस में आपने ऐसा काम किया है। दो दो मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़कर यहाँ पर मौजूद है, रात रात तक वहाँ कांग्रेस दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो नहीं देखी है इस तरीके की तस्वीरें, कोई बता दे मुझे ऐसी तस्वीरें, मैंने तो नहीं देखी है। प्रेम शुक्ला जी, कब देखी आखिरी बार इस तरीके की तस्वीरें आपने? मैंने तो कभी नहीं देखी। सपना जी शांत हो जाए, काफी देर से आप मुद्दे नहीं पहुंचे थे, थोड़ा इस तरह की बात बनाए रखें। धन्यवाद सर, बोलिए। मैंने तो इस तरह की तस्वीर मैंने इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी। भ्रष्टाचारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अपना जो कभी स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक मानती थी उसका यह बौनापन भी पहली बार ही दिख रहा है कि आप भ्रष्टाचार, भाई आप महात्मा गांधी की लेगेसी की बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी से आश्रम के हिसाब किताब में 60 रुपए का अंतर आया तो महात्मा गांधी स्वयं मंचन पर बैठ गए थे। आज 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति आप पचाने का प्रयास कर चुके, और ये मामला भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दर्ज नहीं हुआ, अदालत के आदेश पर कांग्रेस जब सत्ता में थी उस कार्यकाल में दर्ज हुआ। इसके मामले में आप हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, आपको रिलीफ नहीं मिला। आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में गए, आपको रिलीफ नहीं मिला। इनकम टैक्स भी इसकी जांच करेगी। 60 करोड़ रुपए की संपत्ति या प्रवर्तन निदेशालय जो है जब्त कर चुकी है। आपके दो नेताओं का बयान पहले दर्ज हुआ है, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी का, ऑस्कर फर्नांडिस जी का, अभी आपका प्रदर्शन नहीं हुआ। मोतीलाल वोरा जी की पूछताछ क्यों कर रहे हैं, ऑस्कर फर्नांडिस से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही आपने प्रथम परिवार मायनो गांधी परिवार को जैसे ही ईडी ने तैसे ही सारे जागृत हो गए और जागृत होकर जो है वो प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते हुए आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप ये सवाल सापरा जी से पूछ सकते हैं, लेकिन सापरा जी का भी तो यही सवाल है कि ये जो आपका कमल डिटर्जेंट है इससे आपकी पार्टी में आए सब धुल जाते हैं, उनके दाग सब धुल जाते हैं। बहुत अच्छा प्रेम जी, मुझे जानकारी मिल रही है कि आपकी कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं ब्रिजमोहन जी से बात कर लूं और उसके बाद मुझे यकीन है वो भी यही सवाल पूछेंगे कि आपको विपक्ष के नेता तो दिखते हैं और आपको अपने नेता नहीं दिखते, खासकर वो लोग जो आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं, उनकी शर्ट बिल्कुल चमकदार हो जाती है। लेकिन ब्रिजमोहन जी, अरे नवाब मलिक से भी पूछताछ हो रही थी, मैंने तो इस तरीके का आक्रोश जोश एनसीपी के नेताओं की तरफ से नहीं देखा। आ जाओ सड़कों पर, गिरफ्तारी देंगे,
लाठियां खाएंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे पूछताछ पर। रूबिका जी, इस प्रकार के प्रदर्शन तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किए थे, और जब हम लोगों को ऐसा लगता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब ये लगता है कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और इसमें अन्याय किया जा रहा है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ये दायित्व भी होता है कि वो अपने उस नेता के साथ खड़े हों जिसके बारे में वो ऐसा सोचते हैं। जैसे कि आप देखिए कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को SIT ने बुलाया था गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में, और उनपे आरोप था नरसंहार का, तो उस समय उनके साथ भी पूरी क्राउड गई थी। उसके बाद आदरणीय अमित शाह साहब को जब 2010 में CBI ने बुलाया, उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था, ऐसा नहीं हत्या था। के मामले में उस समय भी उनके साथ ऐसे कोई टायर नहीं जले थे। मैं वीडियो देख चुका हूँ। नहीं नहीं, वीडियो हमने भी देखे। रूबिका जी, आप वीडियो आप वीडियो देख लीजिए, आप मुझे बताइए कौन से टायर जल गए थे। वीडियो देखे होते नहीं देखे मैंने मैं पूरी तैयारी के साथ आती हूँ। रूबिका जी, 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे ये बताइए आप। एक मोहन जी, 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी प्रदर्शन को दूसरे जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी को जब SIT ने पूछताछ के लिए बुलाया था तब 800 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी, मुझे ये बताइए। या बीजेपी शासित राज्य क्या हुआ था? दो चार मुख्यमंत्री आए थे, आप बताइए क्या हुआ था? आप मुझे बताइए, 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आप मुझे बताइए। जब उनके साथ कोई मुख्यमंत्री था ही नहीं, तो क्या करते वो? ही वाज अलोन, वो अकेले मुख्यमंत्री थे। आप एक को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आपने कंपेयर किया है, देखा उस दिन की घटना बताई, उस दिन नरेंद्र मोदी साहब ने मेरे नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया था उस दिन मौजूद है, मुझे बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या किया था। उन्होंने बकायदा मीडिया कर्मियों के सामने आकर बाइट दी थी, और बयान देकर उन्होंने कहा था कि SIT जितना चाहे उतना मुझसे सवाल कर सकती है, मैं कानून व्यवस्था में पूरा विश्वास करता हूँ। चार लोग पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, मुझे बताइए ना, 800 लोग गिरफ्तार हुए थे। उनके साथ लोग कितने थे? लोग थे या नहीं, ये बताइए। लोग थे या नहीं? अरे लोग टायर जला रहे थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे, उसके साथ कार्यकर्ता आएंगे। लोग कितने थे ये सबको पता है। टायर क्यों कंपेयर कर रही है? कितनी हुई है आप मुझे बता दीजिए ना। रूबिका जी, आप लोग अलग अलग जगह पे सब इकट्ठा हो जाते हैं। तुलना कर रही है तो फिर आ जाइए। एक मिनट, फिर तुलना कर लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश 2013 में असम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वाल शर्मा जी, उनके खिलाफ भी किया था इन्हीं धाराओं में। आज उनके खिलाफ क्या हो रहा है? ED की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही उनसे जाके बात करने की? क्योंकि वो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भ्रष्ट आदमी को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया है। जो पार्टी चेहरे की बात करती थी, सुन लीजिए ना ब्रिजमोहन जी, आपने भी सुना मुझे, पर आप मुझे ये बताइए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना पूरी। ED अपना काम तो करेगी, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे आप लोग टायर जलाकर गिरफ्तारियां देकर के हाय हाय लोकतंत्र जो है बर्बाद हो गया है, तानाशाही रवैया। अरे भाई ये इस तरीके की पूछताछ पहले नहीं हुई है क्या? रूबिका जी, अगर आप बात नहीं सुनेंगी, बात तो सुन लीजिए। आप बात अगर नहीं सुनेंगी तो कैसे पूरी बात होगी, बताइए भला। देखिए कि 2014 से लेकर 2022 तक 2974 केस अभी तक ED ने छापे डाले। 2974 एक भी आदमी वो नहीं बता सकता ED रिकॉर्ड पे कि उसने विपक्ष के अलावा बीजेपी के किसी नेता के घर पे छापा डाला हो या किसी को बुलाया हो। मुद्दा ये पक्षपात का है। देखिए, जब से ED के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उनमें से एक साहब को तो टिकट भी मिला है। राजेश्वर सिंह को 11 बजे इस्तीफा दिया, 11:05 आज वो विधायक है बीजेपी। सवाल कहीं नहीं जा रहा, पक्षपात का है। पक्षपात वाला सवाल मैंने आपके आने से पहले पूछा, आपके पास आने से पहले आपसे सवाल पूछने से पहले पूछा। यदि कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतरेगा तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। ये क्या बात हुई? आप क्या कह रहे हैं? मैं नवाब मलिक से जब पूछताछ हो रही थी, तब इस तरीके से तो मैंने नहीं देखा है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी गिरफ्तारियां प्रदर्शन हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई।
आपके वीडियो देखिए ना, क्या बार बार आप मुझे वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? आपकी खुद की करेस्पॉन्डेंट फाती मेरी उससे बात हुई है। मुझे ये बताइए कितने वीडियो आप मुझे दिखाएंगे, आप अपनी जुबान से बोल दीजिए। अगर मुझे वीडियो ही देखना है तो ब्रिजमोहन जी आपको फिर मैं इनवाइट ना करूं, सारे वीडियो से ही काम चला दूंगी। वहां प्रदर्शन हुए थे, अरे प्रदर्शन हुए कीजिए ना, आप प्रदर्शन कीजिए, बैरिकेड तोड़ना, माहौल ऐसा बनाना कि इस देश में अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि फला नेता से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। कानून तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अब प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दीजिए जो ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं। जी सुन लीजिए फिर, नहीं सर इस बात को सही मत ठहराइए ना, नहीं ठहराइए, मेरे को स्क्रीन पे इसका जवाब देने दीजिए। आप इस बात को सही मत ठहराइए, आपकी बात सही नहीं है। ये सारे कायदे कानून हम लोगों ने लोकसभा विधानसभा में बैठ के बनाए और इन एजेंसियों पे हमको विश्वास है, कानून को ताक पर रखकर कोई सवाल नहीं कर रही है। इन एजेंसियों ने बीजेपी की मेंबरशिप ले ली है, चिंता इस बात को लेकर, और उस पर सवाल पूछे जाएंगे, चाहे नेता हो, सांसद हो, गांधी परिवार हो या शरद पवार परिवार हो, अगर कानूनन उनके ऊपर कोई आरोप है तो सवाल पूछे जाएंगे और किसी तरह का कोई भी ब्लैकमेल कार्यकर्ता नहीं कर सकते। मुद्दा पक्षपात का है, पक्षपात का बड़ा आरोप, मुद्दा पक्षपात का है। शुक्ला जी जवाब दीजिए, पूछिए, आप रूबिका जी पूरी जांच करिए। चिल्लाना बंद करें। देखिए पहली बात की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2010 में एसआईटी के सामने प्रस्तुत हुए थे तो कोई साथ नहीं गया था, अकेले गए थे। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी से हवाला मामले में बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, पर भी 100% झूठ बोल रहे हैं आप, 100% झूठ बोल रहे हैं प्रेम भाई। और इत्तेफाक से हंगामा नहीं हुआ था, वो एसआईटी में गए, आप मुझे वो वीडियो दिखाइए जहाँ पर आगजनी हुई है ना। अगर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, आप चैलेंज कर रहे हैं ना, आप चैलेंज कर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको वीडियो दिखाइए जहाँ पर नरेंद्र मोदी एसआईटी की पूछताछ के लिए बुलाने के बाद तादाद में लोगों को लेकर चलते हैं और टायर जलाते हैं और वहाँ पर जमकर हंगामा होता है। आप मुझे दिखाइए उस दिन का, नहीं आप उल्टा चोर कोतवाल को भी डांट सकता है। आप मुझे वीडियो दिखाइए, आपने कहा है कि हंगामा हुआ था, आपने कहा था कि खूब सारे नेता मोदी के साथ पहुंचे थे, आपने कहा कि खूब सारा हंगामा वहां पर हुआ था। मैंने ये भी कहा कि जो जितना बड़ा नेता होगा उसके साथ उतने कार्यकर्ता होंगे, मुझे वीडियो बताइए क्या गलत है। आपने याद दिलाया मुझे एसआईटी में पूछताछ हुई थी, अब मोदी के साथ लोग गए थे, हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी, उसका वीडियो दिखाइए मुझे। आप वीडियो दिखाइए, आपने कहा मेरे पास वीडियो है, आपने कहा था कि नहीं मेरे पास उनकी बाइक का वीडियो अभी मौजूद है, आप हंगामे वाला वीडियो दिखाइए, कहा या नहीं? अगर आपने कहा है तो आप दिखाइए वीडियो, वीडियो दिखाइए ना, आप वीडियो दिखाइए ना, हंगामे वाला वीडियो दिखाइए। आपकी वीडियो को मैंने देखा है, आपकी लाइब्रेरी में देखा है मैंने, मेरी कोई लाइब्रेरी नहीं, आपके एबीवीपी की लाइब्रेरी में ही देखा है मैडम, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। हाँ तो बताइए, मैं जो नेता जिस नेता के जितने समर्थक होंगे उसके समर्थक मार्केट में आएंगे। दो बात मत कीजिए, एक बात कीजिए, आपने कहा मोदी के साथ तमाम नेता पहुंचे थे, आपने कहा तब भी ऐसा ही हंगामा हुआ था, हंगामे वाला वीडियो मुझे दिखाइए, तब तक आपका सवाल मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूं। नेता पे आप मुझे हंगामे वाला वीडियो दिखाइए, लेकिन पक्षपात का सवाल तब तक मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूं। आप अपनी बात से मत पलटिए, इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड शो मी द वीडियो मिस्टर ब्रिजमोहन, इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड शो मी योर द वीडियो। जब खड़े हो जाते नहीं, राहुल जी के साथ पूरे देश के लोग नहीं खड़े हैं, राहुल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग इस वक्त खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पक्षपात, आप भी आइए ना, भाई सापरा जी टिकट दीजिए, ब्रिजमोहन जी को भी प्रदर्शन करना है, नहीं होना चाहिए ये लोकप्रियता का मामला। प्रेम शुक्ला जी जिस आदमी के जितने समर्थक होंगे मोदी के साथ, अगर उसमें ज्यादा लोग नहीं आए तो इसकी जिम्मेदारी। प्रेम शुक्ला जी लोकप्रियता की बात है, क्यों बढ़ा है लोकप्रियता की बात है भाई, लोग अपनी नसें कटवाने को तैयार है, राहुल गांधी की ये लोकप्रियता है। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि उसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है, वो डंडा खा रहे हैं अपने नेता के लिए, डंडा खा रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के समर्थन में ही लोकप्रियता प्रकट होती है, अभी एनसीपी का नेशनल आंदोलन करने। ब्रिजमोहन जी रुकिए ना, बात तो करने दीजिए ना, इसीलिए ड्रग वसूली गैंग वालों को अभी देख लिया,
मत बोलिए ना, जैसे बोला ड्रग वसूली गैंग मिर्ची लग गई है। नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे पूरे गुजरात के मंत्रिमंडल को लात मार के बाहर किया, क्या इनाम दिया था? अच्छे काम कर रहे थे वो लोग, तो बेईमान लोग थे, उनके यहाँ पे ईडी क्यों नहीं जाता? यह है प्रश्न। गुजरात क्यों, गुजरात के सारे मंत्रिमंडल के अभियोग में क्या ईमानदार बैठे हैं? करप्ट और बेईमान लोग थे वो। ईडी को आपको हिंदी समझ में आती है? वो ईडी को क्यों नहीं दिखता? आपको हिंदी समझ में आती है? मैं हिंदी में आपको समझा रही हूँ कि पूरी आती है। आप सवाल पूछा हाँ, तो आप मैं हिंदी में याद दिला रही हूँ। ब्रिजमोहन जी बस बहुत हो गया। आप यहाँ डिबेट में आगजनी मत कीजिए ना सर, रुक जाइए ना। आपने इतनी बात रखी, पूरा टाइम अपनी बात रखी, अब थोड़े टाइम में आप प्लकार्ड लेकर बैठ जाएंगे, फिर माथे पे पट्टी बांध लेंगे। अब उत्तर सुनिए ना, और बड़ा सवाल नहीं पूछा है आपने। आपको भी बीजेपी डिटर्जेंट के का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रेम शुक्ला जी, हेमंत शर्मा बिस्वा पर जवाब दीजिए, मुकुल रॉय पर जवाब दीजिए, जवाब उन तमाम लोगों पर दीजिए जो आपकी पार्टी में आए और साफ सुथरे हो गए। हम हर किसी पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सवाल ये पैदा, वसूली पार्टी और भाजपा कह रहे हैं, और जेल में अनिल देशमुख के 100 करोड़ की वसूली में, दाऊद इब्राहिम के कहने पर कब्जा करने में नवाब मलिक जेल में है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी में आने पर कोई मामला वापस नहीं लिया है, और स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अदालत के आदेश पर FIR हुआ। इनको अदालतों पर तो विश्वास है ना। अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में ढिलाई की है, तो अदालत जाइए ना आप, प्रवर्तन निदेशालय के पास सप्रमाण शिकायत कीजिए ना। आपको क्या भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? भारत की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है? उन जांच एजेंसियों के ऊपर भी जो है जांच एजेंसी का अधिकारी जो है के आर्डर पर ही मान रहा है ईडी, हेमंत शर्मा के मामले में क्या कहा ऑर्डर है जरा, हेमंत शर्मा के मामले में ईडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मान रहा है। 2013 का ऑर्डर है, आप कोई 2013 का ऑर्डर है, कोई ऑर्डर नहीं है इस तरह का। उस ऑर्डर की 2013 का ऑर्डर है जो मैं कह रहा हूँ, ईडी के खिलाफ शिकायत करने चलूंगा। देश को दिखाइए कि ऑर्डर नहीं है। पास इस तरह का आदेश हो जो, अगर हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कोई पेंडेंसी हो, मैं शिकायत करने के लिए तैयार हूँ बॉस। हम आपकी तरह जो है भ्रष्टाचार के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले भ्रष्टाचार के चीयर लीडर दर नहीं है। भिजवा दूंगा किसी के विरुद्ध किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की। भिजवा दूंगा, जनता पार्टी ने नहीं की है, यह सबके सामने रिकॉर्ड पर कह रहे हैं। लेकिन आप लेटेस्ट दीजिएगा, भिजवा दूंगा आदेश। इस तरह की चाहे वो 2G का मामला हो, चाहे कोल का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, इन सारे मामलों की जांच अदालती आदेश पर प्रथम दृष्टया प्रमाण आने के बाद। अच्छा, मामले में जस्टिस DS सिंघवी के आदेश पर ऑर्डर हुआ, ध्यान है आपको, कोल मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दर्ज हुआ, आपका जो नेशनल हेराल्ड आप वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो ऑर्डर दिखा रहे हैं, ऑर्डर दिखाइए ना। ये प्रेम शुक्ला जी तो आपके साथ ही बन जाएंगे, कह रहे हैं साथ चलूंगा, ऑर्डर दिखाइए। कोई पेंडिंग मामला है ना, मैंने कहा कि मुझे प्रदीप जी कौन सच्चा कौन झूठा, ये मुझे ईमेल भेज दें, ये मुझे ईमेल भेज दें, मैं मेल कर दूंगा, ऑर्डर मेल कर दूंगा। प्रदीप जी से सुनते हैं। अच्छा, तब तक आप वीडियो तो पता लगाइए। 2010 में मोदी के साथ कितने लोग पहुंचे थे, कितनों ने हंगामा किया था, मुझे वो वीडियो दीजिए ना आप। पहले ब्रिजमोहन जी मुझे वो वीडियो देखना है, आपने कहा कि उस वीडियो में आपने बहुतों को देखा हंगामा करते हुए जब पूछताछ की। एक मिनट, लॉजिकल बात सुनिए। मैंने आपसे ये कहा जिसके जितने समर्थक होंगे वो उसके लिए आएंगे। उस समय मोदी जी के जितने समर्थक थे उनकी भीड़ वहां पर थी उस दिन। मैंने जब आपको वीडियो के लिए कहा तब आपने कहा, जब मैंने आपको वीडियो के लिए कहा तब आपने अपना पासा पलट दिया। मैं भिजवा दूंगा। नहीं, वीडियो आप भिजवाएंगे नहीं, अभी मुझे दिखाएंगे। मैं भिजवा दूंगा। तो आपने मेरी लाइब्रेरी का जिक्र किया, मैं अभी निकलवाता हूं कि ABPP की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होगी। नहीं नहीं, मैं मान के चलता था ABPP की लाइब्रेरी इतनी बड़ी होगी। अरे नहीं, उसके पास मिल जाएगा। नहीं, मिल क्या जाएगा आपके पास? अफसोस नहीं है, अफसोस मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा, चिंता मत करिए। अफसोस मत कीजिए, फिर
खुल जा सिम सिम तो वीडियो आपके सामने होगा। वो वीडियो कहाँ चले गए? ये देखिए ना, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ कि अपनी बात से पलट जाऊंगी। अरे मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो बात से पलट जाऊंगी। ये रहा वीडियो। ब्रिजमोहन जी मुंह पर एक उंगली लगाइए, कान थोड़ा सा बंद कीजिए, आंखें खोल दीजिए। ये रहा वो वीडियो, एसआईटी का वीडियो, पूछताछ का वीडियो, 2010 का वीडियो दिख रहा है आपको सर? ये आए मोदी। अरे बाप रे, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मोदी जी के पीछे। नहीं मुझे दिख नहीं रहा। अरे सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत हंगामा हो रहा है ना पीछे। अरे बहुत सारे अकेले हैं क्या? नहीं सर बिल्कुल अकेले नहीं है। गिनिए, गिनिए थोड़ा, गिनिए, दो चार पाँच दस है कि नहीं? नहीं नहीं सर, टायर भी जल रहे हैं। कितने? दो चार पाँच दस तो हैं। अरे सर हंगामा हो रहा है भयंकर, टायर जल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी हो रही है, 102 और बसों में भर के लोग जा रहे हैं। ब्रिजमोहन जी आप तो सही कह रहे थे, एक बार फिर वीडियो दिखाइए। हाँ वीडियो ब्रिजमोहन जी, और वीडियो लोकप्रियता को दूसरे की लोकप्रियता से मत कंपेयर करिए। आपने मुझे याद दिलाया 2010, आपने कहा कि 2010 में पूछताछ मोदी से जब हुई थी तब बहुत सारे लोग वहां भी मौजूद थे अपने नेता के पीछे पीछे। मैं देखने की कोशिश, एक तो नेता मुझे दिख जाए ब्रिजमोहन जी, एक नेता नहीं दिख रहा मुझे, तो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं चारों तरफ, एक नेता नहीं, अकेले वो अपने दरवाजा कर दिया। जूम मत करिए, जूम मत करिए। अरे 2010 का वीडियो आप काहे जूम करूंगी मैं? जूम मत करिए। अरे 2010 के वीडियो को कोई जूम करेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए जूम कर दिया आपने। ना 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 ना, ये ट्रिक फोटोग्राफी नहीं, नो ट्रिक फोटोग्राफी, नो ट्रिक फोटोग्राफी, नो नो नो। इसके पहले का दिखाइए, इसके पहले जो गाड़ी आ रही है वो दिखाइए, नो ट्रिक फोटोग्राफी। देखिए रूपिका जी फेयर, आप निष्पक्ष हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप निष्पक्ष हैं, आप अनफेयर नहीं है। देखिए मेरे पास जो वीडियो मौजूद था मैंने वो वीडियो दिखा दिया, इसमें कोई ट्रिक फोटोग्राफी नहीं है। अब मैंने तो आपको चैलेंज कर दिया सर, आप मुझे दिखा दीजिए आगजनी की तस्वीरें। आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, फोटोग्राफी है, मैंने ट्रिक की ना, आप मुझे असली दिखा दीजिए ब्रिजमोहन जी, असली दिखाइए ना, मैं इंतजार कर रही हूँ, असली दिखाइए। ये ट्रिक फोटोग्राफी को की तोड़ आप असली फोटोग्राफ दिखाइए। रुपिका जी आपके पास तो पीस, आप स्टूडियो में बैठी हैं, मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। नहीं नहीं आप मैं दिखा दूंगा, आपके जहन में जो फैसिलिटी है कि ट्रिक हो रही है, कल पीछे नहीं दिख रहे हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं, मैं कह रही हूँ दिखा दीजिए। प्रदीप जी उस वक्त आप एक्टिवली इन सारी चीजों को कवर कर रहे थे, इन पर आर्टिकल्स लिख रहे थे, उस वक्त बताइए ये जो ये कह रहे हैं ना ब्रिजमोहन जी, ये ट्रिक फोटोग्राफी है, बताइए सर। नहीं नहीं ब्रिजमोहन जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी याददाश्त ठीक नहीं है, या तो कोई और उसने घटना देखी होगी। उस समय बीजेपी ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था, जब पूछताछ के लिए जाएंगे नरेंद्र मोदी तो कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, कोई पार्टी का नेता नहीं जाएगा, सिर्फ पुलिस और जो सरकारी कर्मचारी साथ होते हैं सिर्फ वो रहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जाएगा, और जहां उनसे पूछताछ होनी है वहां तो और भी कोई नहीं। तो इसलिए ये उनको कोई और दृश्य याद होगा। तो यार समय नरेंद्र मोदी के साथ, नवाब मलिक के साथ कौन था? बीजेपी का हमारे नवाब मलिक के साथ अंदर कौन था? प्रदीप जी बताइए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 2013 में सुप्रीम हमारे नवाब मलिक साहब के साथ सुप्रीम कौन कोर्ट था अंदर, ने समय ईडी को निर्देश दिया जांच के लिए हेमंत बिस्व शर्मा की, और उसने जांच नहीं की। तो भैया 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें आपकी पार्टी भी शामिल थी, 2014 में भी मई तक आपकी सरकार थी, तो क्या किया आपने? ईडी को क्यों नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानो, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही वो करो? डेढ़ साल दो साल क्या करते रहे, क्यों नहीं कहा आपने? मुद्दा ये नहीं है, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? प्रदीप सिंह जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है भाई, अगर 2013 का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, 2013 में आपकी सरकार ने चेहरे की बात करती थी, क्यों नहीं कहा? राजनीति की बात करती थी, उनका चेहरा आज वहाँ पे हेमंत शर्मा जैसा करप्ट व्यक्ति है, यह है मुद्दा सामने देश के। सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सापरा जी चाल चलते चेहरे की बात करना बंद कर दे। वो नायाब अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे, मैं चाहती हूँ एक बार वो अपनी बात कह दें। हाँ सापरा जी देखिए, मैं रूबिका जी ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक मॉडल ऑपरेंडी रहा है, हम अनेक वर्षों से देखते आए हैं। आपको याद होगा 2013-14 में इन्होंने 1,76,000 करोड़ का घपला 2G 3G की इन्होंने बात करी थी, और कितना बड़ा हुआ इन्होंने बनाया था, कोल स्कैम भी हुआ उसमें, कोयले का घोटाला जो हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला?
नतीजा 0/7 इस तरह से आया है। फिर क्या हुआ, ये जो शाहरुख खान के बेटे का केस था आर्यन खान का, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, उसमें क्या नतीजा आया, 1 साल वो केस चला, उस लड़के को अंदर भी रहना पड़ा, 20-22 दिन वो लड़का अंदर रहा, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी तरह का ये भी केस है, ये केस ऐसा है कि नेशनल हेराल्ड, जिसने आजादी की जंग में हिस्सा लिया है, कांग्रेस पार्टी ने वो अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल ने शुरू किया था, अगर उस अखबार को तकलीफ आई और कांग्रेस ने उस अखबार को लोन दिया और उसके बाद में उसको यंग इंडिया में अगर वो ट्रांसफर हुआ, तो यंग इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी थी, कंपनीज एक्ट 25 में रजिस्टर है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जा सकता शेयर होल्डर को, कोई प्रॉपर्टी नहीं जा सकती, कोई डिविडेंड नहीं जा सकता, क्योंकि वो डेट टू इक्विटी का मामला था, इक्विटी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं रख सकती है, इक्विटी शेयर नहीं रख सकते हैं, इसलिए यंग इंडिया को बीच में लाया गया और यंग इंडिया के पास में वो शेयर है उसके, तो इसमें क्या गलत है, और क्योंकि गलत नहीं है तो 10 साल से ईडी के पास में कोई सबूत नहीं मिला है, ईडी सिर्फ इसको घुमा रही है केस को, चरित्र हनन करने का ये केस है। हाँ। और ये मात्र ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ही नहीं, इससे पहले भी ईडी ने विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया, यानी विपक्ष के नेताओं को ईडी एक टूल किट का हिस्सा बन गया है, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट जो है उसका हिस्सा, अगर ये ईडी बनेगी, अगर वो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बनेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जाएगी। अखिलेश यादव ने उसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कहा है कि ये वो दरिया है कि डूब कर जाना है और इससे जो पार निकला वही जीत पाएगा आगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, उन्होंने बता दिया है कि बड़ा सिंपल सा केस है, आप जबरदस्ती गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझकर ये केस लगा रहे हैं। मैं रूबिका जी से अत्यंत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में 64 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त कर रही है, तो आप उस संपत्ति को छुड़ाने के लिए अदालत में क्यों नहीं गए? इस मामले में एफआईआर के विरुद्ध आप हाईकोर्ट गए कि नहीं गए, और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं कि आपको जांच फेस करना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दे दिया, सत्य है कि नहीं? शेड्यूल्ड ऑफेंस 420 में श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज है कि नहीं है? और जो शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, वो मामला ईडी उसका जांच कर सकती कि नहीं कर सकती? और कृपा करके बताइए, जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स की मीटिंग कब हुई? शेयर होल्डर्स का अनापत्ति प्रमाण पत्र कहां पर है जिसके अनुसार जो है आपने यंग इंडिया को शेयर्स 99% ट्रांसफर कर दिए? आप एसोसिएट जनरल की उस जनरल मीटिंग का मिनट्स ऑफ मीटिंग आज तक क्यों नहीं पेश कर पाए? क्यों नहीं सामने ले आते कि साहब हमने शेयर होल्डर्स जो थे उनसे अनापत्ति लिया है? आप शेयर होल्डर्स ने उल्टा शिकायत की है, शांति भूषण एक शेयर होल्डर है, मार्कंडे का शेयर होल्डर है, उन सबने उल्टी शिकायतें की है। तो आपने जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति पर एक परिवार ने डाका डालकर 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने का दुष्चक्र रचा, अगर वह मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रमाण पाया, एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर के आधार पर मामला प्रवर्तन निदेशालय के पास जांच के लिए आया, आप अदालतों में गए, आपको रिलीफ नहीं मिली, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये जो है राहुल गांधी? राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, वो पवार साहब नहीं है या नवाब मलिक नहीं है? तो सापरा साहब जवाब देंगे, सापरा साहब। रूबिका जी देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं इनको कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, चिदंबरम साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शेड्यूल्ड ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि शेड्यूल्ड ऑफेंस कहाँ है? शेड्यूल्ड ऑफेंस होता तो एफआईआर होती, एक मिनट एफआईआर होती, अभी तक एफआईआर नहीं है, उनको अपनी बात रखनी है, क्यों नहीं की? दरअसल उन्होंने टोका नहीं आपको बीच में, तो ये मेरी बात पूरी होने दीजिए, तो क्योंकि ये एफआईआर नहीं है इसलिए आप उनको अभी अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो अभी तक आपने उनको अरेस्ट कर दिया होता जिस तरह से सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया है। तो आप ये सारा जो चीज है ना, ये मात्र इसका राजनीतिक लाभ लेने का फायदा कर रहे हैं, आपको भी पता है और ईडी को भी पता है। आप जितने सवाल अभी पूछ रहे हैं, आप क्या अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं? क्या ईडी के अफसर बेवकूफ है? जितने सवाल अभी आप हमको पूछ रहे हैं कि ये मीटिंग वो मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग
क्या ईडी के अफसरों ने 10 सालों में कांग्रेस के नेताओं से ऑस्कर फर्नांडिस जी से या मोतीलाल वोरा जी से या राहुल तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं 10 साल कुछ हासिल नहीं कर पाई है, ये जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं मिल पाया है, तो आगे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लौटेंगे जल्दी। इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार वक्ताओं या उनकी पार्टियों के हैं, एबीपी न्यूज के नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।